हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं स्ट्रिंग लेंथ, इंडेक्स ऑफ मेथड, स्लाइस मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड, रिप्लेस मेथड, टू अपर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड, कंकैट मेथड एंड कैरेक्टर एट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड से। JavaScript strings are used for storing and manipulating text. JavaScript strings का हम यूज करते हैं strings को store and manipulate करने के लिए। जैसे कि आपका name है, name भी हमारा क्या string है। तो अगर हमें किसी का name लेना है तो वो क्या हो गया, हमारा string हो गया। तो हमने उसको store किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस name को manipulate करेंगे। तो JavaScript strings are used for storing and manipulating text. First आपका है string length। अब हमें फाइंड करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। सपोज करो आपका नेम है प्रीति, तो प्रीति में कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर, प्रीति कितने हुए, 6। तो वो आपकी लेंथ कितनी शो करेगा, 6। द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने एक वेरिएबल लिया txt जिसके अंदर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर टाइप कर दिया। फिर मुझे क्या करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो उसकी लेंथ वो सेट कर देगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। प्रेस करेंगे विंडो की प्लस आर टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। टाइप करेंगे नोट पैड प्लस प्लस, ओके पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नोट पैड प्लस प्लस आपका ओपन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया html, फिर मैंने html को क्लोज कर दिया। स्टार्ट करेंगे हेड टैग, हेड के अंदर मैं लिखा टाइटल टैग, इसको मैंने टाइटल दे दिया स्ट्रिंग मेथड्स। फिर मैंने टाइटल को क्लोज किया, टाइटल को क्लोज करने के बाद हेड को क्लोज कर दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया बॉडी टैग, मैंने यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दिया। आप फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस, जिस भी पाथ या लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं ब्राउज करेंगे। मैं सेव करूँ जावास्क्रिप्ट क्लासेस फोल्डर के अंदर। मैंने इसको नेम दे दिया d6.html, उसे अपन क्लिक किया। अब इसे मुझे ओपन करना है ब्राउजर के अंदर, तो मैं अपने फोल्डर के अंदर गई, d6 पर डबल क्लिक किया, तो मेरा यहाँ पर वेब पेज ओपन हो चुका है। देखिए टाइटल स्ट्रिंग मेथड्स आ रहा है। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करना है। बॉडी के अंदर यहाँ पर लिखा पी टैग, आईडी इसको नेम दे दिया d1। हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जिसको मैंने कह दिया txt, जिसके अंदर हम एक सेंटेंस लिखेंगे। मैं लिखा जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे से क्लोज कर दिया। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे document.getElementById। अब आईडी क्या हमारा है d1.innerHTML=। अब txt हमारा वेरिएबल है .length, डॉट लेंथ लिख दिया, सेमीकोलन लगाएंगे, फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो वो शो कर रहे हैं यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, 40 कैरेक्टर्स। आप काउंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से लेकर यहाँ तक, तो आपके 40 कैरेक्टर्स होंगे। जिस हिसाब से हम लेंथ फाइंड करनी है, तो यूज़ करते हैं लेंथ फंक्शन का। नेक्स्ट आपका इंडेक्स ऑफ मेथड। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टेक्स्ट इन ए स्ट्रिंग। मीन्स ये क्या करता है, जो भी हमें इंडेक्स फाइंड रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग का। अब जो भी हम यहाँ पर वर्ड देंगे उसका वो इंडेक्स फाइंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेर str, मतलब मैंने एक सेंटेंस जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न वो str के अंदर सेव कर दिया। फिर अब हमें फाइंड करना है कि उसका इंडेक्स क्या है, तो वो उसके क्या पोजिशन को रिटर्न कर देगा। देखते हैं प्रैक्टिकल। हाँ, मैं इसी के अंदर कर रही हूँ, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये हो गया मेरा d2। तो हमने वेरिएबल ले लिया txt। अब हमें पोजीशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखा वेर pos इज इक्वल टू
txt स्ट्रिंग है डॉट इंडेक्स ऑफ में ओ कैपिटल आएगा, इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है केस का, मैंने यहाँ पर केस लिखा। अब सेम स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगी, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर पास किया मैंने POS। हम यहाँ पर लिख देते हैं इंडेक्स इक्वल टू, अब मैंने प्लस पॉज कर दिया, ये लेंथ थी तो यहाँ पर लिखते हैं हम लेंथ, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा लेंथ है कौन सा क्या है। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैंने यहाँ रिफ्रेश कर दिया, वो शो कर रहा है कि इसका इंडेक्स क्या है 16। एक मिनट, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर D2 लिखना था। फाइल को सेव किया और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, तो लेंथ कितना है 40 एंड इंडेक्स क्या इसका 16। तो देखें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कितने करेक्टर्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ से जावास्क्रिप्ट से लेकर केस तक वो आपके जो स्पेस है वो भी काउंट करेगा, तो इसकी पोजीशन क्या है 16। नेक्स्ट आपका स्लाइस मेथड, एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट ऑफ इन ए न्यू स्ट्रिंग। क्या करें, किसी भी स्ट्रिंग का कुछ पार्ट अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं स्लाइस मेथड का, और उसको एज ए न्यू स्ट्रिंग वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया STR, जिसके अंदर 3 फ्रूट्स हैं एप्पल बनाना एंड कीवी, हम इसका स्लाइस करना है। तो देखते हैं इसकी रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको दे दिया D3। D3 देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर एक वैल ले लिया STR इज इक्वल टू, जिसके अंदर सेव किया एप्पल कॉमा बनाना कॉमा, यहाँ मैं दे दिया कैरी, ठीक है, इसको मैंने किसी यहाँ पर सेव कर दिया। अब एक सेकेंड वैल ले लिया वैल, रिजल्ट हमें क्या चाहिए इसका, STR जो हमारा वेरिएबल है डॉट, हमने यहाँ पर यूज़ किया स्लाइस मेथड। अब स्लाइस में सबसे पहले क्या आती है उसकी पोजीशन 7, अब हमें कितने करेक्टर्स लेने हैं उस पोजीशन से, मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो मैंने सेम स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी की, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये हमारा है D3 एलिमेंट, यहाँ पर लिखा स्लाइस, ताकि पता चल जाए कि स्लाइस का रिजल्ट है, और उसकी वैल्यू किसके अंदर जा रही है हमारी IIS के अंदर। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैंने रिफ्रेश किया तो देख रहा हूँ यहाँ शो कर रहा है बनाना, अब देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर मैंने 7 लिखा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बनाना, ठीक है, 7 से, तो बनाना के बाद 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो मीन्स वो आपका 13 यहाँ तक लेगा पूरा। अगर मैं यहाँ पर 12 कर देती हूँ, फाइल को सेव किया, तो क्या आउटपुट आती है देखिए, तो यहाँ से ए हट गया, क्यों, क्योंकि वो एन की पोजीशन के आपकी 12 नंबर करेक्टर है। तो हमें कहाँ तक लेना है वो सेट करता है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, तो आपका स्लाइस मेथड। स्लाइस के बाद बात करते हैं सब स्ट्रिंग के, सर्च इज अ स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी हम वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा स्ट्रिंग को। अब आपको लगेगा दोनों सेम है, बट इसमें डिफरेंस है, मैं इसी में यहाँ पर इसे कॉपी करती हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, एंड इसमें मैंने यूज़ किया सब स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट SUB सब STR स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं इसके लिए ले रही हूँ नेक्स्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पर ले लिया D4, मेरा हो गया RES, अंदर मेरी सब स्ट्रिंग सेव हो रही है। अब स्टॉप स्ट्रिंग में हम लिखा 7 और उसके बाद लिख दिया 6, कि हमें यहाँ तक कितना करेक्टर लेने हैं, उस नंबर से लेने कितना करेक्टर लेने हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, अब ये हमारा कौन सा है D4 है, और यहाँ पर लिख दिया सब स्ट्रिंग, इसका रिजल्ट किसके अंदर जा रहा है RES1 के अंदर जा रहा है। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउज़र के अंदर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देख रहे हैं यहाँ पर भी बनाना आ रहा है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है,
अगर हम यूज करते हैं स्लाइस मेथड, तो स्लाइस के केस में हम यहाँ पर मेंशन करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फिर किस करेक्टर से हमें स्टार्टिंग करनी है, उसकी पोजीशन क्या है। अब दोनों ही केसेस में यहाँ पर इसकी पोजीशन 7 है, तो ये भी स्टार्टिंग पोजीशन है। उसके बाद हमें यहाँ पर कितने करेक्टर तक उसको लेना है, तो स्टार्टिंग से काउंट करता है, जैसे यहाँ से 1 2 3 हो गया, 13 तक जाएगा, तो उसे कहते हैं 7 से लेकर हमें 13 तक डिस्प्ले करना है। अब इस केस में वो कहता है कि नंबर स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें कितने लेने हैं, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 के केस में वो उसे B8 आपका यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। डिफरेंस है दोनों के अंदर, यहाँ पर लेते हैं कि स्टार्टिंग करने के बाद हमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स लेने हैं। नेक्स्ट आपका रिप्लेस मेथड, रिप्लेसेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू विद अनदर वैल्यू इन ए स्ट्रिंग। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना है तो हम यूज करते हैं रिप्लेस मेथड का। अब मैंने इसे कॉपी किया, वहां पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको नेम दे दिया D5। अब मैं इसी के अंदर यूज करूंगी, तो यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट किया, इसको नाम दे दिया मैंने 2। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर यूज करेंगे रिप्लेस। इसको रिप्लेस करना है मुझे यहाँ पर कैरी को रिप्लेस करना है कीवी के साथ। अब यहाँ पर हमने यूज किया रिप्लेस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे RES2, जिसमें हमारा रिजल्ट आ रहा है। फाइल को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए यहाँ पर आपका कैरी कीवी के साथ रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट आपका है टू अपर केस। अगर हमें किसी भी लोअर केस सेंटेंस को या स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं अपर केस का। देखते हैं, अब जो आपकी स्ट्रिंग है एप्पल बनाना कीवी, इसी को अपर केस में कन्वर्ट करूंगी मैं। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, इसको मैंने दे दिया यहाँ पर D6। D6 लेने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो स्टेटमेंट है मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे करना है यहाँ पर लिखा मैंने अपर केस, किसको कन्वर्ट करना है, TXT को, STR को, तो मैंने यहाँ पर लिखा str.2। अब लिखा अपर केस में U और C कैपिटल है, टू अपर केस, हमें इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमने ब्राउन ब्रैकेट लगाया, फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर हमारा आएगा D6। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए एप्पल बनाना चाहिए आपका अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आपने लोअर केस में करना है, तो हम यूज करते हैं लोअर केस मेथड का। तो लोअर केस देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। अब इसी को मैं यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट करूंगी, कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरा D7 हो गया। मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया D7 टू लोअर केस, एल आपका कैपिटल जाएगा। फाइल को सेव किया, अब देखो इसमें ABGC आपका कैपिटल है, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, तो सारा का सारा आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपका है कॉन्कैट, मीन्स ज्वाइन करना, ज्वाइंस टू और मोर स्ट्रिंग्स, कॉन्कैटेनेशन जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हमें 2 या 2 से 4 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर जो स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड जो आपका एप्पल बनाना चाह रही है इसको हम कॉन्कैटेनेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये मेरा बन गया D8। D8 के बाद मैंने यहाँ पर लिखा मुझे कॉन्कैटेनेट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया VAR वेरिएबल RES3। अब मुझे किसको करना है, इक्वल टू मुझे TXT को कॉन्कैट करना है, किसके साथ, कॉन्कैट
बीच में स्पेस लेना है, किसके साथ करना है मुझे, एस टी आर के साथ, यहाँ पे मैंने एस टी आर लिखा। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये मेरा बन गया डी एट। यहाँ पर लिखा कॉन्केट करना मुझे। अब ये वैल्यू मेरी किसके अंदर स्टोर है, आर ई एस के अंदर, तो यहाँ पर आर ई एस थे मैंने यहाँ पर पास कर दिया। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो एप्पल बनाना और चेरी आपका दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो ज्वाइन हो चुकी हैं। तो साथ से हम यूज़ करते हैं कॉन्कैटेनेट मेथड का। नेक्स्ट आपका है कैर एट मीन कैरेक्टर एट मैथड, रिटर्न द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स, मीन्स जो आपका कैरेक्टर है जिसे हम फाइंड करना है उसकी पोजिशन बताएगा कि स्ट्रिंग उसकी क्या पोजिशन है, उसका कौन सा इंडेक्स है। अब मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया, ये मेरा हो गया डी नाइन एलिमेंट। अब डी नाइन के बाद मैंने यहाँ पर लिखा जो स्ट्रिंग उसी में कर लेते हैं हम काम, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया पेस्ट कर दिया, ये मेरा बन गया डी नाइन करेक्टर एट, हमें फाइंड करना है करेक्टर एट लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखेंगे हमारा हमें किस में फाइंड करना है, टी एक्स टी के अंदर, तो मैं लिखा यहाँ पर टी एक्स टी डॉट कैर, ये आपको कैपिटल आएगा करेक्टर एट। अब कौन सी पोजिशन फाइंड करना है मुझे, थर्ड पोजिशन पर फाइंड करना है। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में आई, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो बता रहा है कि ए है। अब देखते हैं कैसे ए है। जावास्क्रिप्ट हमारी स्ट्रिंग कौन सी है, टी एक्स टी, हमें फाइंड करना थर्ड नंबर करेक्टर पर क्या है, तो जीरो वन टू थ्री, इंडेक्सिंग आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, तो थर्ड पोजिशन पर क्या हमारा ए है, तो उसने रिटर्न कर दिया ए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में।